नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। और इसी वजह से कहीं भी पदस्थापन आगे से आगे बढ़ते रहे, कहीं कभी कोई विवाद नहीं पड़ा, कभी कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई और हर तरफ से आम जन से मीडिया से बहुत अच्छे मेरे संबंध हो रहे हैं हर जगह। सबसे तो मेरा ऐसा बहुत वो नहीं रह पाता, लेकिन दो चार से तो इतना मतलब हो जाता है कि लगातार और आगे से आगे वो चीज़ें चलती रहती है कि इस तरह से तो मेरा हो रहा है। पुलिस में हमेशा टीम वर्क से काम किया है। सबसे पहले मेरा ये रहता है कि पुलिस में आपस में एक मच्चल अंडरस्टैंडिंग से टीम बने और टीम वर्क से काम और अच्छी मैं लीडरशिप उनको दे सकूँ, उनकी बात समझते हुए कि किस तरह का वहाँ का स्थानीय अपराध है उसको समझते हुए उसको बिल्कुल अपन इस उद्देश्य से कि वो खत्म हो या ऑप्टिमम लेवल तक वो उसमें हम सफलता हासिल कर सकें। संगठित अपराधी हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उन पर अंकुश रख सकें और कोई भी गैंग नहीं बनते। आमजन में जो पुलिस के प्रति विश्वास है वो कायम रहे और अपराधी सिर नहीं उठाए। मेरे एक दो जिलों में जो गैंग थी हमने टीम वर्क से ऐसा काम किया कि लोग जिले छोड़ के चले गए और मतलब जो प्रतापगढ़ जैसे जिला जिसमें अपराध बहुत होते थे वहाँ पे वो चीज़ें। आप सबके सहयोग से मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर भी हम इस तरह की मिसाल कायम करें। हालांकि पहले सर प्रायोरिटीज क्या रहेंगी जिले के लिए, यहाँ की जो प्राथमिकताएं जिस तरह से अभी मैंने चीजों को समझेंगे इस जिले के बारे में बहुत ज्यादा मेरे को अभी तक वो नहीं है, लेकिन अब चीजों को समझकर यहाँ की जो स्थानीय आम तो जो पुलिस प्राथमिकताएं होती है वो काम करना है और सब जिलों में पुलिस का जो वहां काम है अपराधियों पर अपराध पर नियंत्रण और पेश संगठित अपराधियों को पर अंकुश रखना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ये रहेगा कि यहाँ कुछ अलग तरह का क्राइम है बॉर्डर होने की वजह से या अन्य यहाँ के जो पुराना अपराध का जो पुराना इतिहास रहा उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ गैंग्स भी रही है जो चीज़ें रही है। तो हमारा ये रहेगा कि उनको समझकर वो क्यों बनी, सबसे पहले वो चीज़ें खत्म हों और हम अपराधी जो बदमाशी कर रहे हैं उनको हम मतलब उन पर अंकुश रख सकें। और जो ये भी हमारा प्रयास रहेगा कि लोग उनको अपराधी हुए समझें कि ये वो मुख्य धारा में है और इस तरह का जो अपराध है जिससे लंबा अपराध करते हुए वो उनके सामाजिक हिसाब से या पारिवारिक हिसाब से कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला होता है तो फ्यूचर में वो इस दिशा से होकर और आम जन के हिसाब से वो रहें, इस तरह का भी हमारा प्रयास रहेगा कि चीज़ें रही है। और अभी इसमें SIT भी बनाई हुई है, सभी विभागों की SIT बनाया हुआ है और उनके साथ मिलकर हम मतलब उनसे बात करेंगे और उनके साथ मिलकर हम जो भी हमसे मतलब बेहतर जितना हम हमारी क्षमता से कर सकेंगे उतना करने का प्रयास करेंगे। बजंत बद्री के ट्रैक्टर वगैरह उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत तेज स्पीड चल रहा है, खाली हो या भरे हो वो उसके लिए हम स्थानीय जो है हमारे पुलिस अधिकारी और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी उनसे बात करेंगे और इसमें हम क्या बढ़िया कर सकते हैं उसके लिए कुछ कार्य योजना बनाएंगे और उस तरह से काम करेंगे। कुछ शिव के राज में कुछ बेहतर हो, कैसा रहेगा शिव का राज नया दौर नहीं अच्छा करेंगे आप लोगों से क्या रणनीति रहेगी? अभी भी मुझे पता पड़ा कि इस तरह की यहाँ गैंग सक्रिय है, एक ही गैंग है ना, लेकिन अभी उसके लिए भी देखेंगे, उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे, समझेंगे उनका कौन उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं, कौन किस तरह से इनके बाकी लोग हैं, क्या इनकी मुख्यमंत्री है, किस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा और उसके प्रकार काम करेंगे। एक बार यहाँ पे कुछ टाइम आया था, यहाँ आर्मी भर्ती हुई थी और एक तो कुछ टाइम मेरी शॉर्ट में पोस्टिंग हुई थी, लेकिन मैं आके और वापस चला गया, वापस आया तो मेरा धौलपुर से मुझे बहुत बड़ा नाता ये है कि मेरा जैसे ही यहाँ ट्रांसफर होते मेरा यहाँ से प्रमोशन हुआ था, यहाँ से मैं एडिशनल एसपी बना था। इस वजह से मेरे को आज भी आज ज्वाइन करने आया तो मेरे को लोगों ने बोला कि अब धौलपुर से आपका विशेष नाता है
कि पहले आप एडीआई भी बने और सही है तो आप लोगों में सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा सर।